हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर कल ही कोई न्यू अपडेट्स हुए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट्स हुए हैं। यहाँ मैंने IFMS 3.0 पर लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले जो न्यू अपडेट कल ही अपडेट हुआ है यहाँ सिस्टम पे, यहाँ हमें सबसे पहले बिल्स वाले सेक्शन में जाना है। बिल्स पे क्लिक करेंगे। बिल्स पे क्लिक करने के बाद नीचे बिल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि आपको नीचे एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, ई कुबेर एम्प्लॉय रिजेक्शन बिल प्रोसेस। इसका मतलब है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की हम सैलरी प्रोसेस करी है, उसका गलत अकाउंट होने की वजह से उसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हो पाई है, वो पेमेंट नहीं हो पाया है, तो वह यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा ई कुबेर एम्प्लॉय रिजेक्शन बिल प्रोसेस में। इस पर हम क्लिक करेंगे, या कोई अदर भी यहाँ पे हमने कोई बिल बनाएंगे आगे जाके, तो वो जो अकाउंट अगर रिजेक्ट होते हैं तो वो हमें यही ऑप्शन में मिलेंगे जैसे पे मैनेजर में मिला करते थे ई एडवाइस में जाके। यहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ई कुबेर रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट, यहाँ पे हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए सपोज करते हैं कोई हमारा पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, तो हमें यहाँ पे रिजेक्टेड ईयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ यहाँ पे हम मार्च ले लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमारे पास कोई भी डिटेल ओपन नहीं होती, इसका मतलब है हमारा कोई भी पेमेंट अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई रिजेक्ट होता है इन फ्यूचर, तो हमें यहाँ पे ही चेक करना है ई कुबेर रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट में। एंड मान लीजिए वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो उसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है करेक्शन एडवाइस जनरेशन, तो आपको इस पर मैं क्लिक करके बता देता हूँ। एक बार इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे करेक्शन एडवाइस जनरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको वापस से वही ईयर यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको उसका डाटा मिल जाएगा जो भी होगा इन फ्यूचर। जनरेट करेक्शन एडवाइस, एडवाइस का हमें ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ हमें सिंपल यस बटन पे क्लिक करना है, उसमें जो भी एडिटेबल होगा तो ये यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कि ये जो दो ऑप्शन न्यू अपडेट हुए हैं, और भी ऑप्शन है, मैं बता दूँ आपको, ये आपने देख लिए होंगे। यहाँ हम देखेंगे, ऊपर चलते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट में। यहाँ हमें न्यू ऑप्शन दिया है रिवर्ट ज्वाइनिंग का, इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई ज्वाइन हुआ है, वो गलती से आ गया है, कहीं और जाना था, तो उसकी ज्वाइनिंग को हम यहाँ से सर्च करके रिवर्ट कर सकते हैं। हमें ऑप्शन दिया हुआ है रिवर्ट ज्वाइनिंग का, यहाँ एम्प्लॉय आईडी डाल के या उसकी एसएसओ आईडी डाल के हम यहाँ से सर्च करेंगे तो वो रिवर्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर्स का, नीचे हम देखेंगे वेरिफिकेशन के नीचे मास्टर्स का ऑप्शन है। मास्टर्स के नीचे देखेंगे कोऑपरेटिव मास्टर्स, कोऑपरेटिव मास्टर वो होते हैं शिक्षा सहकारी, ये शिक्षा सहमति, और जैसे ये इसके हेड दिए हुए हैं यहाँ पे, हमारा इस पे मास्टर पहले से ही क्रिएट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, शिक्षा समिति की भी यहाँ पे IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, मैंने इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है। तो इस तरह आपको अगर मास्टर क्रिएट नहीं है किसी एम्प्लॉय के, आपको यहाँ पे ऐड करनी है डिडक्शन, तो उससे पहले आप यहाँ मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। आपको ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिडक्शन नेम ओपन हो जाएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट IFSC कोड बैंक नेम ब्रांच नेम बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर, इसको सबमिट कर दे तो यहाँ मास्टर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ मास्टर क्रिएट कर लिया, तो उसकी सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में आप कैसे ऐड करेंगे, उसका भी न्यू ऑप्शन यहाँ पे दिया है। हम यहाँ चलेंगे वापस से सैंक्शंस में, सैंक्शंस में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ बल्क अलाउंस डिलीट के नीचे ऑप्शन है ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट लिस्ट ऑफ बल्क डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो तरह के हमारे मास्टर पहले से क्रिएट हैं, तो हमें वहाँ पे वो सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए एजुकेशन सोसाइटी सेलेक्ट करना है तो वो कर लेंगे। अब आपको इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं डेजिग्नेशन वाइज, बेसिक वाइज, ग्रुप वाइज या इंडिविजुअल वाइज। मान लीजिए आपको इंडिविजुअल किसी एम्प्लॉय के सेलेक्ट करनी है ये डिडक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है इंडिविजुअल पे, या आप किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड बटन पे क्लिक करें उसके सामने। जैसे आप यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे नीचे उसकी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। डिटेल जैसे ही ओपन होगी आपको यहाँ उसका नेम मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, उसकी जो आईडी है वो मिलेगी आपको। अब आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा स्लैब वाइज, फॉर्मूला वाइज या फिक्स्ड वेतन, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए हम स्लैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, प्लस का आइकन दिया हुआ है ऐड का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस तारीख को एंड होगी, एंड अमाउंट, यहाँ अमाउंट डलेगा, एंड जो भी यहाँ पे हम सबमिट करेंगे वो डिटेल यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये तीन चार तरह के न्यू अपडेट्स हुए हैं, जैसे रिवर्ट ज्वाइनिंग, मास्टर्स, कोऑपरेटिव मास्टर्स, ये ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क, एंड
ई कुबेर रिजेक्शन एडवाइस। तो ये थी चारों के चारों इंपॉर्टेंट जो न्यू अपडेट्स हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।